हेलो फ्रेंड्स, आज हम एपीआई कंज्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसे हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि हम पीएचपी में कैसे इम्प्लीमेंट करें एपीआई एंड वेब सर्विसेज को। तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। प्रोजेक्ट ओपन, मेरे पास aeps.controller.php बना हुआ है। इसमें हम सिंपल सा एक फंक्शन रेडी करते हैं, पब्लिक फंक्शन। यहाँ पे हम नाम डालते हैं गेट डिटेल, गेट डिटेल। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे एक यूआरएल टाइप करेंगे। ये एपीआई होगा, वेब सर्विसेज होगा, जिसमें कुछ डेटा होंगे, वो हम फेच करेंगे अपने पीएचपी प्रोजेक्ट के थ्रू। यूआरएल, और दो मेथड होते हैं एपीआई को कंज्यूम करने का। फर्स्ट मेथड होता है कर्ल और सेकंड मेथड होता है फाइल गेट कंटेंट। तो फाइल गेट कंटेंट ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है, तो हम कर्ल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे ch इक्वल टू कर्ल इनिट। ये पीएचपी का प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। और सेकेंड हम टाइप करेंगे cur set opt ch comma curl curl opt underscore url comma url, जो हम url यहाँ पे टाइप करेंगे, semicolon। के बाद हम फिर से टाइप करेंगे curl underscore set opt $ch curl opt underscore return transfer comma 1। ये सभी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, ये आप स्टडी कर सकते हैं php.net वेबसाइट से। और हम एक वेरिएबल बनाते हैं आउटपुट इक्वल टू curl execute $ch। अब हम जो curl ओपन किए हैं उसको हम क्लोज करेंगे curl underscore close। क्लोज करना ज़रूरी है बिकॉज ये curl आपका ओपन रहेगा ch return और echo, आप कुछ भी लिख सकते हैं echo output। अब हम API सर्च करेंगे। API सर्च करने के लिए हम get detail by ये API है और इसमें डिटेल है। पिन कोड के थ्रू आप डिटेल जान सकते हैं। ये हमने कॉपी किया और ये हम URL में पेस्ट किया। अब हमें रन करने के लिए हमें राउट पे जाना होगा, वेब। हम एक राउट क्रिएट करेंगे, ये लारावेल में करना पड़ता है अगर आप। ओके, ये EPS controller @getdetail। अब क्या करेंगे, हम इसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं aeps.div। ये हमारे पास डिटेल आ गया। ओके, ये हमारे पास डिटेल आ गया जेसन में, पोस्ट ऑफिस बड़ौदा हाउस, ब्रांच टाइप सब पोस्ट ऑफिस। ओके, अब हमें देखना है कि पिन कोड हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करें, लाइक 11001। हम यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं पिन कोड इक्वल टू
पिन कोड। ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे, पिन कोड। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम टाइप करेंगे पिन कोड इक्वल टू 110098, नो रिकॉर्ड फाउंड, 4920। ओके, ये हमारे पोस्ट ऑफिस आ गए, ये सभी रायगढ़ सरगुजा डिवीज़न, ये सभी अगर आप यहाँ पे पिन कोड आप डालते हैं नोएडा का 201301, ये डिटेल्स आ गए। हम इस तरीके से एपीआई को कंज्यूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इसको डिस्प्ले कैसे करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।